ओए रेड क्रिमिनल, तूने मेरे पे हाथ उठा के गलती कर दी। ऊपर से तूने माफी मांगने से भी मना कर दिया। पर अब मेरे भाई लोग आ गए हैं। अगर पिछवाड़े में दम हो तो मैं जो लोकेशन बताऊँ वहाँ पर आ जाना। ओए साले, तूने गलत आदमी से फोंगा ले लिया है। तुझे मार मार के लाल टॉर्ची बना देंगे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉग। अभी अभी मैंने एक स्टोरी देखी, वो व्हाइट शर्ट वाला विनोद कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। कोई दो बड़े दादा बुला लिए है उसने, वो आरोग दादा और पहलवान दादा। देख एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे ना बहुत दादाओं को पढ़ा दिया है मैंने। देख मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे में जितना दम हो ना लगा लो, माफी आज भी नहीं मांगेंगे और कल भी नहीं मांगेंगे। देख साले, तू कुत्ते की तरह भौंक मत, लोकेशन बता दे, अभी आ जाएंगे, समझा। ओए रेड क्रिमिनल, मैं यहाँ ढोलकपुर के पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। साले अगर दम है तो आ जा, चूड़िया नहीं पहन रखी मैंने, समझा। इस बार तो बहुत मारूंगा। ओए तू जिसके दम पे उछल रहा है ना, उसे भी लेकर आ जाना। अगर उसे भी ना मारा तो मेरा नाम बदल दियो, समझा। बाबू मोसा, उसका लोकेशन मिल गया है, उसने स्टोरी डाली है। ठीक है सर, जल्दी जाने दे, उधर छोड़ेंगे नहीं साले को। हाँ वो लोकेशन इधर पास में ही है क्रिमिनल। ओए वो लोग आ चुके हैं, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करना। साले विनोद, क्या दिक्कत है तेरे को, फालतू में क्यों उंगली कर रहा है। ओए अगर तू असली क्रिमिनल की औलाद है तो मुझे मार के दिखा। साले विनोद, तेरी ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ओए दम नहीं है क्या, लगता नहीं तू क्रिमिनल खानदान से है। साले खानदान पे मत जा, तुझे बताया मैंने, समझा। ओए अगर तू असली क्रिमिनल खानदान से है तो मुझे मत मार। हाँ अगर दम ही नहीं है तो उछलता क्यों है सुअर की औलाद। अब से एक भी स्टोरी मुझे दिखी तेरी तो जान से मार दूंगा। ओए मेरा काम हो गया, जल्दी से वीडियो एडिट करके वायरल कर दे। अबे यार मेरे को तो लगा अच्छी खासी मारपीट होगी, पर मेरे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे हिप्पू, मेरा नाम ही काफी है, लोग डर जाते हैं। अरे ये देखो मेरा सुपरस्टार बेटा आ गया। अरे मम्मी क्या हो गया। बेटा तूने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया, तू तो टीवी पर आ रहा है। आज की ताज़ा खबर, एक वीडियो हो रहा है वायरल, हमारे शहर के जाने माने ब्लॉगर रेड क्रिमिनल ने की मारपीट, एक अकेले बंदे को बुरी तरह से पीट डाला। ओए रेड क्रिमिनल भाई, मेरी गलती क्या है, मुझे छोड़ दीजिए आप। ओए टेढ़ी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, टेढ़े जैसे सुअर को गांव में अपना मुंह ढक के निकलना चाहिए, समझा। ऐसा मत कीजिए, ओए मुझे मत मारिए। ओए साले तू मार तो खाएगा। ओए दूसरी ओर हमारे शहर के बड़े मोटो व्लॉगर बबलू भैया ने भी स्टोरी डाली है क्रिमिनल के पक्ष में। विनोद क्रिमिनल भाई से पंगा मत ले, समझा, मैं तेरे को चैलेंज देता है 1v1 कस्टम का, स्टोरी पे आईडी पासवर्ड लगा दूंगा, दमे तो आ जाना। क्या बकवास है, इतनी गंदी डबिंग, मुझे बोला होता मैं कर देता। बबलू भैया बिना उड़ता टीड़ ले लेते हैं। क्या मतलब है तेरा, कुछ समझी नहीं। बाबू मोसा असल में वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो खुद बोल रहा था मारने का। अच्छा मतलब ये तुझे फंसाना चाहता है। कितने गिर गए हैं लोग, कैसी कैसी हरकतें करते हैं। ओए रेड क्रिमिनल भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो, एक अकेले कमजोर को दबा रहे हो, हमारे बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर आप अकेले आ जाइए, हम दोनों भाई बैठकर सब कुछ शॉर्ट कर लेंगे, हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में आपस में क्यों लड़े। बाबू मोसा ये तो वुमन कार्ड खेल रहा है। अरे नहीं पू, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अरे नहीं सासा, ये तो एटीएम कार्ड खेल रहा है। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है तू क्रिमिनल। अरे मतलब इसको मेरे से पैसे चाहिए, वहाँ जाऊँगा ना तब ये मेरे से पैसे मांगेगा मार खाने का। छोड़ो सब शॉर्ट कर लो, जितना चाहिए उतना पैसा दे दो, ये सब तमाशा बंद करवाओ। हिप्पू हम दोनों सलते हैं और इस मैटर को खत्म करते हैं। क्रिमिनल अगर इसे सब कुछ शॉर्ट करना है तो ऐसी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया है। अरे पैसे चाहिए ना, वहाँ सबके बीच शर्म आती होगी तो ऐसे कोने में बुलाया होगा। हाँ सही कहा तूने, ऐसा ही कुछ होगा। ये लो हिप्पू, हम पहुँच गए उस लोकेशन पर जो उसने दिखाई थी। ओए अब बस वो रेड क्रिमिनल आ जाए, आज तो उसे बहुत मारेंगे साला सुअर कहीं का। हाँ सही कहा रे, साले को काट डालेंगे। अबे हिप्पू इसने तो अकेला बोला था, पर ये तो बहुत सारे लोग लेकर बैठा है। बाबू मोसा ये बातचीत करने नहीं, ये सब यहाँ पीटने बैठे है तुझे। अबे यार मैं तो गन भी नहीं लाया, सोचा बातचीत करने जाना है, अब क्या करेंगे।
बाबू मौसा यहाँ से भाग जाते हैं इससे पहले कि वो हमें देख ले, बहुत मारेंगे साले। सही कहा इप्पू, भागने में ही पढ़ाई है, बाद में देख लेंगे इसको। ओए भाई लोग, सुबह से शाम हो गई है, आप लोग देख सकते हो मैं अभी भी उसी लोकेशन पर खड़ा हूँ, रेड क्रिमिनल का वेट कर रहा हूँ, पर वो नहीं आया। मुझे लगता है उसे शांति से बैठकर सब कुछ शॉर्ट नहीं करना है, उसे बस मारपीट ही चाहिए। तो हम भी डरते थोड़ी है। सुन रेड क्रिमिनल, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है ना, असली क्रिमिनल की औलाद है ना, तो आ जाइयो कल इसी लोकेशन पर। इन तुच्छ लोगों को उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा भाई लोग। अबे क्रिमिनल, ये तो हम लोगों की बेइज्जती कर रहा है स्टोरी डाल के, कुछ करना पड़ेगा। रुक मैं करता हूँ। तो गाइज एक छोटा सा अपडेट देना था, ये कुछ आंडू पांडू लोग बहुत उछल रहे हैं मेरा नाम लेके, अभी अभी मार खा के खड़े हुए हैं और बोलते हैं दम है तो इधर आ रहा इधर आ रहा। अबे सुन नूबड़ी के, हम पे इतना फालतू टाइम नहीं होता, कितनी बार मार खाएगा, अब कान खोल के तू सुन ले। अगर तूने माँ का दूध पिया है ना, तो कल उसी लोकेशन पे खड़ा रहना, मैं आऊंगा, कहीं भाग मत जाइयो, समझा। अले आज तो मजा आ जाएगा, कब से वेट कर रहा था इस पल का। क्या हुआ रे, तेरे बाप की लॉटरी लग गई का? अले नहीं, आज वो विनोद और क्रिमिनल की लड़ाई होने वाली है। अरे हाँ, वो तो हम भी देखे थे, उस स्टोरी में लड़ रही थे। मजा आ जाएगा, आज तो क्रिमिनल को बहुत पीटेगा विनोद। वो तो पता चल जाएगा कौन किसको पीटेगा। कोई अपडेट आया का फोड? अले हाँ, अभी चेक करता हूँ। हाँ ये तो क्रिमिनल और विनोद दोनों ने स्टोली लगाई है। ओए दोस्तों, हमसे रहा ही नहीं गया, तो हम सारे भाई लोग जल्दी आके यहाँ बैठ गए हैं, अब बस क्रिमिनल का इंतजार है। अरे एक बार आने दे, साले के हाथ पैर तोड़ डालेंगे। ओए भाईचारा ऑन टॉप। ओए ये बॉडी मैंने सिर्फ क्रिमिनल को मारने के लिए बनाई है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, मैंने वो स्टोरी देखी, सभी कुत्ते वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, पर उन्हें नहीं मालूम शेर आ रहा है उनका शिकार करने के लिए। रे भाई नमस्कार सभी भाइयों ने, वैसे तो मैं इन चूजों को मार के अपने हाथ गंदे ना करता, पर क्रिमिनल मारा भतीजा से, इससे पंगा मतलब मारे से पंगा। तो विनोद अब थारी मुंडी काट के अपने घर के दरवाजे पे लगाऊंगा। डाकू सासा वो पहलवान भी कुछ बोल रहा था, उसका क्या करेंगे? रे भाई उसके हाथ बढ़िया से दोनों हाथ काट के मारे कुत्ते को खिलाऊंगा भाई भूखा से। अरे वाह आज तो मजा आ जाएगा, डाकू चाचा आ गए हैं इस मैटर में। अरे बाप रे शैतान आ गया है इस मैटर में, अब तो गरीना दीदी भी इन्हें नहीं बचा सकती। ओए क्रिमिनल अपने घर से निकल चुका है, अपने कोई चाचा को लेकर आ रहा है। डाकू चाचा, क्या नाम है रे उस चाचा का पूरा? ओए आदम डाकू नाम है। अरे भागो रे, आदम डाकू आ रहा है, साला आप उनको काट के उसके कुत्तों को खिला देगा। ओए ओए भाग क्यों रहे हो, ओए रुक जाओ। साले तू भी भाग जा अगर जान प्यारी है तू। ओए सब के सब डरपोक निकले, कुछ और सोचना पड़ेगा। ये लो आदम सासा आ गए। ये क्या आदम, तुम्हारी नौकरी लग गई क्या अस्पताल में? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं वहाँ ले जा रहा हूँ क्रिमिनल के पास। वो तो लड़ाई करने गया है, वहाँ ले जाके का करोगे? अरे किसी को तो समझदार होना पड़ेगा ना, वहाँ बहुत लोग घायल हो गए तो इसकी जरूरत पड़ेगी। आदम चाचा बहुत समझदार है, लड़ाई तो बेवकूफी रोकेगा, इससे अच्छा घायल लोगों की मदद कर ले। हाँ लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। वैसे देख तो सही का अपडेट है। हाँ लुको अभी दोनों की स्टोली देखता हूँ। तो भाई लोग आप देख सकते हो हम उस लोकेशन पर आ गए हैं, यहाँ पर मुझे विनोद और उसके सम से कहीं नहीं दिख रहे। रे भाई आज बहुत मन था मारा यो शॉटगन चलाने का, पर साले भाग गए। देख विनोद अगर पिछवाड़े में दम ना हो तो भोका नहीं करते, समझा। मैं बस बता रहा हूँ साले, हम गांव में निकल रहे हैं, तू जहाँ कहीं भी दिख गया ना वहीं पे तेरे को मार देंगे। ओए मेरे पंटर तो आदम डाकू का नाम सुनकर ही भाग गए, अब क्या करूँ। हमें ऐसो को ढूंढना पड़ेगा जो आदम डाकू से ना डरे, ऐसा तो कौन होगा। ओए है कुछ लोग मैं जानता हूँ, उन्हें अभी बुलाता हूँ। अब तो ना ही लगता लड़ाई होगी, ससुरा विनोद तो डर गया। अरे नहीं नहीं विनोद ने कुछ टोली डाली है, अभी देखता हूँ।
और भाई लोग, मैंने एक लाल कुत्ते की स्टोरी देखी, बहुत भौंक रहा है, बोलता है कि दम नहीं है। तो देखो एक्चुअली कल मेरा एक काम आ गया था जरूरी, तो मुझे निकलना पड़ा। पर अब तुम्हारा भाई आ गया है, तो सुन क्रिमिनल, तू बस मुझे अपना लोकेशन बता दे, क्योंकि मेरे खास दोस्त आ गए हैं जो तेरे डाकू चाचा को काट डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे जे, तेरे डाकू को जिंदा काट खाएंगे। क्या हुआ ओए, देख के हवा निकल गई, ये किसी से भी नहीं डरते। अरे ये तो डायनासोर लेकर आया है विनोद, अब तो क्रिमिनल गया भाई। रुको, क्रिमिनल ने भी कुछ तोली डाली है, देखता हूँ। तो गाइस मैंने वो स्टोरी देखी, कुत्ता फिर से अगड़े आ गया है, तो मैं बताना चाहता हूँ, हमने तेरे पंचड़ों के बाप को बुला लिया है, अब तू सिर्फ देख क्या होता है। वैसे पीछे आप देख सकते हो कि वो लोग आ गए हैं। और ये क्या अचानक से इस वेदर को क्या हो गया वे? ये क्या जी, ये तो मेटियोर्स आ गए, अब क्या करेंगे, हमको इससे बहुत डर लगता है। भाई तुमने तो बोला था कि तुम किसी से नहीं डरते, अबे साले इसने तो हमारे बाप दादा को भी नहीं छोड़ा था, तू अपना संभाल लेना, हम चलते हैं जी। साले दो कौड़ी के डायनासोर्स औकात दिखा दी। ये लो मेरा सुपरस्टार बेटा आ गया। अबे क्रिमिनल तू यहाँ क्या कर रहा है, आज तो तेरी लड़ाई थी ना। अरे मैंने एक स्टोरी डाली, उसके डायनासोर भाग गए और एक लाल सुअर बहुत जोर लगा रहा है मुझे रोकने के लिए, पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुन एक लोकेशन भेज रहा हूँ, अगर औकात है तो आ जा, इस बार तो लड़ाई होकर रहेगी। ओए गाइस मैंने अभी अभी उस छपड़ी की स्टोरी देखी, औकात की बात कर रहा था ना, तो अब वो मेरी औकात देखेगा। बाबू मोसाई जितने आदमी बुला सकता है ना बुला ले, हमारे हैं, हम अपनी पहचान के सारे लोगों को बुला रहे हैं, इस बार तो तू नहीं बसेगा। ओए एक घंटे बाद ओए। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे साथ कौन है, विनोद भैया कैसे हो? ओए मैं तो एकदम बढ़िया हूँ क्रिमिनल भाई। तो गाइस हमारी सुलह हो गई है, अब भाई सारा ऑन टॉप है। आवे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो चुकी है, तो भाई को फॉलो कर लेना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार सब्सक्राइब नहीं करते आप। ये लो पहुंच गया, मुझे डर था कहीं मेरे बिना लड़ाई तो शुरू नहीं हो गई ना। नहीं सासा, वो मेरे और विनोद भैया के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो हमने मिलके सॉर्ट कर ली, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, भाई सारा ऑन टॉप। आदम चाचा अब हम मिलजुल के रहेंगे। सालो पिछले 15 दिनों से लगे पड़े हो, मैं तो इंतजार कर रहा था आज लड़ेंगे कल लड़ेंगे, पर लड़ ही नहीं रहे, और आज मौका है तो सुलह कर लिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ओए चाचा ये स्क्रिप्टेड था ओए। कुछ भी बोल लो पर अब लड़ाई तो नहीं रुकने वाली।